आरटीआई के हवाले से अखिलेश यादव का चौंकाने वाला पर्दाफाश। कोरोना काल में मौतों के घोटाले से उठाया पर्दा तो मची सनसनी। योगी सरकार के आंकड़ों को झूठा बता रही है आरटीआई। आरटीआई ने योगी सरकार की तिकड़मबाजी को कर दिया बेनकाब। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार की काली करतूत पर साधा निशाना। सरकारी आंकड़ों से कई गुना ज्यादा निकला कोरोना से मौत का सच। देखिए आखिर आरटीआई से क्या हुआ है खुलासा। कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तब से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कभी इलाज का अभाव सरकार के लिए परेशानी बनता है तो कभी गंगा और शमशान घाट के हालात सरकार के गले की फांस बनते हैं। और अब एक आरटीआई ने विपक्ष को ऐसा हथियार दिया है कि सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। आरटीआई ने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि अब विपक्ष जो सवाल दाग रहा है उनका जवाब कैसे दिया जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस और कोरोना से होने वाली मौतों के घालमेल के आरोप शुरू से ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और एक आरटीआई से कोरोना की मौतों के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे सरकार मुसीबत में फंस गई है, क्योंकि सरकारी आंकड़े आरटीआई के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। सरकार कम मौतें बता रही है और आरटीआई का कहना है कि कोरोना काल में मौत का मेला लगा था और आंकड़ों में घालमेल कर जमकर घोटाला किया गया है। मामले पर प्रदेश के पूर्व मुखिया अखिलेश यादव ने अब निशाना साधा है और सरकार की बखिया उधेड़ डाली है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर कोरोना संक्रमण काल में मौत के आंकड़े छुपाने का गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने सुबह एक ट्वीट से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा राज खुला है। बीती 31 मार्च तक कोरोना संक्रमण से उत्तर प्रदेश में मौत का आंकड़ा सरकार के घोषित आंकड़े से 43 गुना अधिक है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार ये आंकड़ा तो सिर्फ 9 महीने और 24 जिलों का ही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार कोरोना संक्रमण से मौत के आंकड़े नहीं नाकाम रहने के कारण दरअसल अपना मुंह छुपा रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़े घोटाले करने का आरोप लगाया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य की खुशहाली का झूठा सपना दिखाने वाला बीजेपी नेतृत्व भी अब समझने लगा है कि अगले विधानसभा चुनाव में उसका सत्ता से बाहर होना तय है। बीजेपी के राज में बच्चों के खाने पर डांका डाला गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की बदहाली की इबारत लिख दी गई है। जनता त्रस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सच तो ये है कि प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसमें न मंत्रियों की सुनवाई है न ही जनता की। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों का विश्वास खो चुकी बीजेपी अब चलते चलाते घोटालों की कमाई में लग गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मुख्यमंत्री का दावा खोखला साबित हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य की खुशहाली का झूठ सपना दिखाने वाले बीजेपी नेतृत्व को अब पता है कि उसकी हार होना तय है। प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसलिए हड़बड़ी में डबल इंजन वाले लोकतंत्री व्यवस्थाओं को धता बताते हुए मुख्यमंत्री को ही बनाए रखने का राग अलाप रहे हैं। वहीं पार्टी के अंदर उनके विरोध में स्वर उभरने लगे हैं। दो जिम्मेदार मंत्रियों ने कह दिया है कि चुनाव बाद केंद्र तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रदेश की राजनीति में ये हास्यास्पद स्थिति है। अखिलेश यादव ने जब से आरटीआई का हवाला देकर ट्वीट किया है तब से सोशल मीडिया पर बीजेपी की फजीहत हो रही है और विपक्षी दल बीजेपी की बखिया उधेड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का अब भी दावा है कि सब राजनीति के तहत किया जा रहा है। हकीकत में जो सरकारी आंकड़े हैं वो सही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।